मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अफसरों से सीधी टक्कर ले ली है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में अपने साथ आप विधायकों द्वारा बदसलूकी का आरोप लगाया, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुख्य सचिव ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर थप्पड़ मारने और अपशब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में जो कुछ भी हुआ वो सीएम की मौजूदगी में हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को विपक्ष का तगड़ा विरोध भी झेलना पड़ रहा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की है, तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए इस घटनाक्रम को शर्मनाक बताया और इसे शहरी नक्सलवाद करार दे दिया। मामले की पड़ताल करने पर दो तरह की बातें सामने आई। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के मुताबिक सोमवार रात 12 बजे उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के लिए बुलाया गया, जिसका एजेंडा केजरीवाल सरकार के 3 साल पूरे होने पर टीवी विज्ञापन जारी करने को लेकर था। जबकि आप विधायकों का कहना है कि बैठक दिल्ली में राशन कार्ड वितरण में अनियमितताओं को लेकर बुलाई गई थी। दरअसल आप सरकार और अफसरशाही के बीच तकरार की एक वजह सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर तैयार किया गया टीवी एड भी है। एड में केजरीवाल का संदेश है कि जब आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो ब्रह्मांड की सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियां आपकी मदद करती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के संदेश वाले इस एड को लेकर दिल्ली सचिवालय में अजीब हालात बन गए हैं। सीएम के संदेश को दिल्ली सरकार के विभागों ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दे दिया। वही आप सरकार का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर सीएम के इस संदेश को फंसाया गया है। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि किसी भी एड के हर तथ्य की संबंधित विभाग पुष्टि करेगा। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों के जवाब सुनकर मुख्यमंत्री ने बैठक में अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ये नियम फैक्ट्स फिगर्स चेक करने के लिए बनाए गए हैं, न कि काम अटकाने के लिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कहा कि आईएएस अफसर दिमाग से काम करने के बजाय काम अटका रहे हैं। हालांकि मुख्य सचिव से कथित तौर पर मारपीट के मामले में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों का अलग रुख है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के अनुसार दिल्ली में 2.5 लाख परिवारों का आधार कार्ड राशन कार्ड से नहीं जुड़ा है, जिसकी वजह से इन परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण उन क्षेत्र के विधायकों पर लोगों का काफी दबाव है। इसी पर सीएम के घर पर विधायकों की बैठक थी। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने सवालों का जवाब देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह विधायकों और सीएम के प्रति नहीं बल्कि उपराज्यपाल के प्रति जवाबदेह है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उल्टे चीफ सेक्रेटरी ने कुछ विधायकों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बिना सवालों का जवाब दिए वहां से चले गए। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक ब्रह्मांड की सारी दृश्य और अदृश्य शक्तियां उनके बस में है, लेकिन दिल्ली के अफसर नहीं।